अमेठी जिले में एक दलित शख्स और उसकी पत्नी को गांव के ही दबंगों ने जमकर पीटा और साथ ही उसे जाति सूचक गालियां भी दी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि यह वारदात किसी और के साथ नहीं बल्कि ग्राम प्रधान के साथ अंजाम दी गई है। इस वारदात के बाद दलित ग्राम प्रधान ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। ये मामला अमेठी जिले में रामगंज थाना इलाके के ग्राम सभा भागीपुर का है, जहां के ग्राम प्रधान दलित अशोक कुमार अपने परिवार के साथ किसी रिश्तेदार को देखने जा रहे थे। उसी रास्ते में गांव के पिंकी पांडे उर्फ धर्मेंद्र और मनीष कुमार कार लगाकर खड़े थे। ग्राम प्रधान अशोक कुमार के मुताबिक उन्होंने पिंकी पांडे से कार हटाने को बोला, लेकिन इस बात से पिंकी पांडे और उसके साथी आग बबूला हो गए। दलित अशोक कुमार की माने तो गुस्साए पिंकी पांडे ने उन्हें जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी और उनकी पिटाई भी की। दलित अशोक कुमार को मार खाता देखकर पत्नी उन्हें बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन पिंकी पांडे ने उन्हें भी जमकर पीटा। मामला यही है, घर से हम 6 बजे जा रहे थे, चौराहे पे पहुंचे, ससुराल जाने की देरी हो रही थी, बूढ़ा की हमारी तबीयत खराब थी। वहाँ चौराहे पे पहुंचे, वहाँ गाड़ी पिंकी पांडे और क्या कहते मनीष थी गाड़ी खड़ी किए थे। मनीष से कुछ बात हो रही थी, मनीष ने पता नहीं क्या कहा उनसे, उतने में पाछे से हॉर्न 15-20 मिनट के बाद हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाने के बाद गाड़ी में से निकले, तुरंत पहुंचे नहीं, तुरंत मारने लगे हमको, हमारी औरत को भी मारने लगे। पीड़ित के मुताबिक पुलिस ने उनकी तहरीर पर आरोपियों को 151 की धारा में गिरफ्तार किया है, लेकिन अगले ही दिन उन्हें जमानत मिल गई, जिसके बाद से पीड़ित का परिवार खौफजदा है। जो ना गाड़ी लेके जा रहे हैं, पिंकी पांडे आगे खड़े कर रहे हैं, मनीष रहे उनके साथ ही एक जने रहे हैं, और जो ना का उनसे कहा गया चाचा गाड़ी हटाए ला, गाड़ी हटा ला, कहें जो ना है गाड़ी हटाए, तो जो ना का फिर आए वहाँ उतर के कहा गया चाचा जो ना गाड़ी हटाए ला, जो ना हमका तो जाते हैं हमारी हमके हमारा मम्मी बीमार है, तो जो ना आए कहें जो ना ठीक है थोड़ी देर रुक जाए, काफ़ी देर आधा घंटा रुकी रहे हैं, तब वो लगते उतर के आए तुरंत उनके साथ ही जो रहे हैं मारने लगे, तो हम कहे चाचा काहे मारता है, तो जो ना का जब हम छुड़ावे दौड़े तब वो लगते हमको मारने लगे। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक और सहयोगी वसीम अहमद ने कवर की है। पीड़ित दलित ग्राम प्रधान ने पुलिस से इंसाफ न मिलने की सूरत में सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई, लिहाजा अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर इस बेचारे दलित को कब इंसाफ मिल पाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखते हैं लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।